गुजरात की जमीनी सच्चाई जानने के बाद में अब समय है उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में आलू खुदाई का, क्योंकि आगरा मंडल में ज़्यादातर आलू जो है 37-97 किसानों द्वारा किया जाता है, जिसकी साल भर दक्षिण भारत की मंडियों में डिमांड रहती है और आलू गढ़ आगरा को ही कहा जाता है। ऐसे में सभी की निगाहें जो है इस समय पर आगरा के ऊपर टिकी हुई थी कि आगरा में खुदाई चल रही है और उसका क्या रेशियो निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आलू तो है, लेकिन आलू का साइज़ देख लीजिए, अंडर साइज जो है आलू जा चुका है। जैसा कि पहले बार ही हम पे वो कर रहे थे कि आलू का साइज़ क्या होना चाहिए, अब यह देखिए नीचे भी देख लीजिए, पड़ाव तो है लेकिन आलू का साइज डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम पहले से ही कह रहे थे कि आलू इस बार प्रोडक्शन कम निकलेगा। और जब खुदाई शुरू हो चुकी है तो ऐसे में किसान जो है काफ़ी व्यथित दिखाई दे रहे हैं। किसान बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने इसमें अनगिनत लागत लगाई थी, काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन प्रोडक्शन ने धोखा दे दिया। अब जब धोखा दे दिया तो अब सभी देशवासी देख लो, 37-97 मेरे हाथ में लगा हुआ है और नीचे पड़ा हुआ है। इधर जो है इसकी हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे ज़मीनी सच्चाई जान लेता हूँ क्या है इस बार आगरा में पैदावार की ज़मीनी हकीकत। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेश पचौरी है। पचौरी जी, ये गुल्ला गुल्ली कैसे रह गया आप? क्या लाग नहीं लगाई? अरे लागत बहुत लगाई है, लेकिन मौसम का प्रकोप हो रहा है, कुछ रोग का प्रकोप हुआ और जो आलू फूला ही नहीं, काफ़ी जो है इसमें लागत लगाई है। कहा जाता है कि आदमी पड़ा हुआ है और DAP भी 50 किलो का भी अब हो रहा है, लेकिन जो है पता नहीं, आलू इस साल फूला ही नहीं है बिल्कुल, इस साल लाभ नहीं है बिल्कुल भी। पिछले साल जब आलू खोदते थे तो इसमें साइज़ भी हम देखते थे, सब कुछ देखते थे और किसान काफ़ी खुश होते थे पैदावार देके, और इस बार जो है सभी के तोते उड़ रहे हैं। पिछले साल जो है 60-70 कट्टे का भी आलू निकला था, अब तो इसमें 40 कट्टे का भी आलू निकला है, तो भी काफ़ी है। कई लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बम्पर पैदावार है, कोल्ड 80%, कोई 70% के इतना हो जाएगा, अब कहाँ गए तो नहीं कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन पैदावार इस साल कम है। कितने प्रतिशत आँख के चल रहे हैं इस अब जो नंबर लगा है, और वो भी दो दो ट्रैक्टर आपके खेतों में लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, हम तो कम से कम 20% आलू कम है पिछले साल से। 20% कम है जी, क्योंकि 10 कट्टे का भैया कम निकल रहा है। 10 कट्टे का पिछली बार 60 का निकला था। हाँ अब के 50 का, हमारा तो 40 का ही निकल रहा है, तो 20% का एवरेज कम से कम हो जाएगा, 20% मान के चलिए। जब आप लोग कोल्ड स्टोर पे बैठते थे तो कोल्ड मालिक हों या वो हों कोई अन्य व्यापारी लोग, वो कहते थे पैदावार तो बम्पर आएगी, ये आएगा वो आएगा, उतरे नहीं चश्मे? अब चश्मा उतर गए भाई, अब तो एक दिन तो आप भी कह रहे थे कि सोनू हम तो शर्त लगा ले, हम तो तुम्हारी खेतमें ही आएगी, शर्त लगाएगा अब कछु मिले होगा ना हमें? अब चश्मा उतर गया भाई, सब गया, पैसा ना मिलेंगे हमें, तो सामने आ गया सब कुछ भाई, खुदाई हो रही है तो सब कुछ सामने आ गया। जब गुजरात की भी हम कहते थे कि 30% कम जाएगा, तब कहते थे नहीं, जब गुजरात में जाके देखा तो सब फिर कहने लगे, जब जमीनी सच्चाई निकल के आती नहीं है तो सब के सब बोलते हैं कि हाँ, लेकिन जब तक जमीनी सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक नहीं बोलता है कोई। ठीक बात है, मुलाकात कर रहे हैं कोल्ड वाले, 100 रुपये कट्टे की मांग रहे हैं, 100 रुपये कट्टे का भाड़ा मांग रहे हैं। हाँ तो अब कोल्ड स्टोर में माल नहीं जाएगा तो और क्या करेंगे, जब माल ही कम है। रुक जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है, खोद खुदने दो, ये जितने भी कोल्ड मालिक है ना, अगर तुम्हारे पैरों में ना गिरे तो नाम बदल देना, क्योंकि हम जमीनी सच्चाई दिखाते हैं, हम हवाबाजी नहीं करते, हवाबाजी करने वाले बहुते रहे। और कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जो बम्पर पैदावार दिखाओ और हमें आलू सस्ते में दिलवाओ, कहाँ से दिलवाएं जब पैदावार है ही नहीं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पैदावार कम है। अरे पैदावार बम्पर होती तो भैया आज की तारीख में 700 और 600 रुपये कट्टा नहीं होता, फिर होता 300 और 400 रुपये कट्टे। पैदावार की कम की वजह से तो है ही है, माल है नहीं है, कोल्ड कहाँ से भर जाएंगे भैया? देखिए वहाँ पर हमारे ताऊ जी देखो पैर समतल कर रहे हैं, जरा ताऊ जी यालंकू आ जाओगे भैया समतल करते रहोगे, कोल्ड तो भल्ले तुम लोगों ने, अब का जब वो आलू है कहाँ ले जाओगे? हाँ जी ताऊ, क्या कर रहे हो हमें आलू ढूंढ रहे गए, सोना सोना चांदी ढूंढ रहे हो, हमें मिल रही नहीं आलू, ढूंढ रहे आलू ढूंढ रहे हो तो कहा हो तुम्हारे? बहुत लागत लगाने के बाद में हूँ, बिल्कुल मिट्टी खराब है गई मौसम की वजह से। मौसम की वजह से कितनी लाग लगाई दी होगी? लाग लगी करीब 1 कट्टा में DAP का लग गया और देसी खाद और दवा तमाम दुनिया की लगा ली, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली।
दो स्प्रे करने के बाद में भी जो है इसका रोग का प्रकोप कम नहीं हुआ। कछु लोग तो अब ना मानने सही बात सामने हकीकत है। ये देखो किरी गुल्ला है, देखो आप दिखाओ, देखो किरी गुल्ला है, ये देखो ये किरी गुल्ला है। वो कहाँ से अब इसमें क्या हमने मोटा कर देंगे इसको भाई? किरी गुल्ला है तो किरी गुल्ला, जमीनी हकीकत है ये, इसको सच्चाई को कौन नकार देगा। जो है कहा जाता है कि आलू के बाद में आलू ही आपके क्षेत्र में किया जाता है और कोई फसल नहीं ली जाती है, तो ऐसे खेतों में तो आलू ओवर साइज निकलना चाहिए, ये अंडर साइज। इसमें जो है बम्पर निकलता था पिछली साल, हर बार 70-80 का निकलता था, इसमें अब की बात 35-35 का ही निकल रहा है। बहुत है जो है 40 नहीं होगा जो है, जिसमें कहाँ से 40 कट्टे कट्टे भरते हैं मोटे में, बम्पर होगा आलू जब तो भरे जाएंगे कट्टे। कुछ लोग अरमान पाले बैठे थे कि बम्पर पैदावार दिखाओ मिल जाएगी तो हमें सस्ते में आलू खरीदने को मिल जाएगा, फिर महंगे बेचेंगे। अब साला आलू ही नहीं है तो फिर महंगा सस्ता क्या लाएगा? सस्ता होगा कहाँ से, बम्पर ही खेती होती जब माल बनता, अब है ही नहीं है, गुल्ला खरीद रही है। कोल्ड मालिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अभी कहाँ आ रहे हैं अजीत ताऊ जी, कोल्ड मालिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कोल्ड मालिक काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी आ चुके, और उन्होंने कह दिया 100 रुपये कट्टे वो देंगे और 1 रुपये सैकड़े का पैसा जो है चाहे इतना पैसा लो। चार अभी लो, मतलब 100 रुपये का तो हम जो है आपका किराया लेंगे और जो है लोन लो जो है 400 रुपये पैकेट की, 400 रुपये पैकेट की लोन लो, 1% की ब्याज लगेगी। 1% ही ब्याज, पहले 1.5% ही लेते थे। हाँ, और कोल्ड का भाड़ा कितना कम कर दिया? 100 रुपये पहले 120 था, 100 रुपये अभी और कम करवाने का हो जाए तो बढ़िया। यानी कि कुल मिला के कोल्ड मालिक अतः खेतन पे आवे लग गई। हाँ जी, पहले ना आते ना आते कम आते, अब सबरे उतर गई, अब आ रहे हैं सब। अरे सबन के चश्मा ढीले जाएंगे, जितनी जो कस के बैठे ना वो सबन ने ढीले जाए। माल है ही नहीं है, माल है नहीं है तो कोल्ड कहाँ से भरे जाएंगे? कितना लग रहा है आपको, कितना हो सकता है आपके एरिया में, कितना कोल्ड स्टोर? कोल्ड स्टोर आपके जाए 50-60-70% 60-70% ज़्यादा, 60-70%, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोला है। गोला जी, गोला तो कहूँ तो लग रहे ना हो तुम, पूरे तो सवरे सूख गए जामे। सूख तो यूँ गए क्या देखा, अब हो गई का। हाँ मलके सिंह, ये वो कह रहे हैं कि हम गोला है, गोला थे छुआरे बने गए भैया, गोला तो फूटेगा तो छुआरे तो अभी बनेंगे ये बता। हाँ बोलो का। अच्छा पैदावार जैसे आप लगे हुए हो जामे, अब सबरी पूरी लेबर उतार दी आपने और दो दो ट्रैक्टर खेतों में घुसा दिए, और फिर भी जब आलू की पैदावार ही ना आते तो एक बार किसान का करेगा जामे, या कोल्ड बार कुछ कर, कोल्ड बार कुछ कर सकता? चित के नामी ठेकेदार है जो है, इनका जो है दो ट्रैक्टर चलते हैं हर साल। पिछली साल इन्होंने 15 तारीख से नंबर लगा दिया था, इस वजह से मौसम की वजह से इस बार साल जो है 23 तारीख से वो भी जबरदस्ती लगवाया है किसान से। हाँ जी बिल्कुल, ये सच है। पिछली साल जैसे कि हम देखते थे ना पिछली साल कि जो पैदावार ताऊ जी उठा के कि देखो सा किसान भाइयों बम्पर पैदावार है। हाँ। और ये वो है वो ऐसे दिखाते थे, अब हमें भी थोड़ा असहज होना पड़ रहा है क्योंकि देखो लागत आपने लगाई है और ये देखो किसान साथी नीचे देखो, ये एक तसला और एक तसले में भी यहाँ देख लो आप जो हैं ये लो, ये देखो गुल्ला किर्री वो भी 37-97, क्या प्रोडक्शन है और क्या कोल्ड भर जाएंगे और क्या किसान को इस बार मिल जाएगा, ये जो है इस बार जो है सोचने वाली बात होगी। लेकिन हालत किसी से छुपी हुई नहीं है अभी कि... को भी ठेकेदार को भी घाटा हो रहा है, लेबर जो है पिछले साल से 100 रुपये तेज आ रही है जो है, 400 रुपये ले रही है अब के 400 400 रुपये मेहनत के 400 रुपये डेली 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, 5 बजे तक के, उसमें भी अगर आलू का साइज नहीं हुआ तो फिर जेई में ढूंढत निकल जाए और मेहनत ज्यादा घाटा जा रहा है, मेहनत में घाटा जा रहा है। मतलब अगर मोटा मोटा आलू निकले तो जल्दी उठाएगी, बिनता है जल्दी बिनता है, बोरी भी ज्यादा बढ़ती है, उसमें लेबर कम भी करती है ज्यादा, अब जो है जो इसमें तो घाटा पड़ता है, ज्यादा घाटा है और क्या नुकसान है इसमें, तो छटाई जो होती है तो उसमें घाटा पड़ता है जो है कम बोरी भरी जाती है, पहले मोटा मोटा निकलता था तो एक लेबर जो है कम से कम 20 कट्टे भर देती थी, इस साल जो है वही 10 कट्टे भर पाएंगे एक लेबर पर। के मोहन में भी पैदावार कम, 37-97 में भी पैदावार कम, तो मतलब कुल मिलाकर में पैदावार कम है इस साल, मतलब आलू फूला ही नहीं है, एक महीने से ज़्यादा कोहरा पड़ता हो गया, उसमें आलू फूला नहीं है, आलू क्या करे? मौसम का परिवर्तन ने ज़्यादा किसानों को तोड़ा है, पहले जो है जहाँ पर ठंड होनी चाहिए थी वहाँ पर जो है गर्मी पड़ी है और जहाँ गर्मी होनी चाहिए थी अब टाइम पर जो फूलता है जो है वहाँ पर ठंड पड़ी है, बरसात हो रही है, अभी जो है नमी है खेतों में, अब खुदवाना तो ये पड़ रहा है कि 2 तारीख से फिर बारिश बता रहे हैं।
है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगर अपने यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई तो पैदावार का ग्राफ जो है 20-30% गिरा हुआ है, मान के चले कम से कम 20% तो कम से कम मान के चलो 30 भी आ सकता है जो, और जो नवंबर के आलू बढ़े हैं उनमें और कम आएगा। तो किसान साथियों ये थे मेरे साथ में ज़मीनी हकीकत आगरा से, रोजाना की वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। और जो लोग उस मुखालफत में हैं कि आलू का पैदावार बहुत ज़्यादा है और हम जो है किसानों से 500 600 700 रुपए कट्टे खरीद लेंगे, वो पूरे होने वाले नहीं हैं। और किसान साथी मेरा आपसे निवेदन रहेगा ये तमाम फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे, पैदावार को कहाँ कहाँ से दिखा के पुराने फोटो दे लेंगे, 100 में से अगर 4 किसानों का अगर अच्छा आलू निकल आए तो उससे किसी का लेना देना नहीं होता, लेकिन जनरल 96% का किसान का यही हालत है। तो ऐसे में अगर आप भी सोचे बैठे हैं कि ये जो फुलझड़ियाँ छूट रही हैं कि भाई पैदावार ऐसी है आगरा में ऐसी है या फर्रुखाबाद में ऐसी है और जो हम 600-700 रुपए में बेच देंगे अपने आलू को, तो आप लगातार घाटे में जाएंगे। और इस समय पर पैदावार का ग्राफ जो है गिरा हुआ है, यही कारण है कि कोल्ड मालिक किसानों के निहोरे कर रहे हैं, 400 रुपये का प्रति कट्टा लोन और 1% की ब्याज, और उसके बाद में जो 120 रुपये कट्टा का भाड़ा आगरा में चल रहा था अब उसे घटाकर 100 रुपये प्रति कट्टा कर दिया है कि किसान कैसे भी कोल्ड स्टोर में हमारे आलू लेके आए, क्योंकि अब सबको साफ दिख गया पैदावार का रेशियो निकलते ही कि उत्तर प्रदेश नहीं आगरा में भी पैदावार काफ़ी कम है, आलू इस बार सभी को धोखा दे गया है। तो ऐसे में आप अपनी सचेत रहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा आलू कोल्ड में रख दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने आलू को बेच दीजिए, लेकिन 600-700 रुपये प्रति कट्टा मत बेचिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका परिणाम अब आपके हाथ में है, आप अपने आलू के अच्छे रेट लीजिए, 600-700 रुपये तो लागत आ रही है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।